गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द कल्टीवेशन ऑफ रोज। पिछली बार मैंने आपको डिफरेंट क्लासेज ऑफ रोज बताया था, जैसे हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा, पोलियंथियन, मिनिएचर क्लाइंबर एक्सेट्रा। नाउ टुडे आई हाउ यू कल्टीवेट द रोज, ग्रोइंग ऑफ रोज। सिचुएशन when you are going to select a place for planting the roses or growing the roses, what should be suitability of the place? It's there should be sunny, open and protected by hedge. The situation should be sunny, जहाँ पे पूरे दिन धूप रहे, ठीक है, धूप वाले स्थान होने चाहिए, खुले स्थान होने चाहिए, तथा कुछ उसमें बाड़ या फेंस अथवा बिल्डिंग होनी चाहिए चारों तरफ से, जिसमें जो तेज आंधी वगैरह के झोंके गुलाब पे पेड़ पे न लग पाएँ, अदरवाइज फूल प्रभावित होंगे और उनसे अच्छे फूल जो होंगे वो नहीं प्राप्त होंगे, दिक्कत होगी। क्वाइट अवे फ्रॉम शेड, तथा ऐसे स्थान चुनना चाहिए जो जहाँ पे छाया अत्यधिक ना पड़ती हो। एंड आर द फ्राम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ ट्रीज, तथा वहाँ पे नीचे गहराई पे पेड़ों की जड़ें इत्यादि ना मिलती हो, ऐसे स्थान को हमेशा गुलाब लगाने हेतु चयन करना चाहिए। सॉयल, भूमि, फर्टाइल एंड क्ले लूम सॉयल, द बेस्ट सॉयल फॉर रोज ग्रोइंग इज उपजाऊ तथा दोमट मिट्टी। भूमि जो है कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ तथा दोमट मिट्टी होनी चाहिए, डीप विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, काफ़ी गहरी मिट्टी होनी चाहिए तथा इसकी पानी जलधारण क्षमता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वाटर पानी रोकने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज तथा अच्छा जल निकास होना चाहिए, क्योंकि द रोज इज बेस्ट ग्रो इन द मोर सॉइल रेदर देन वेट सॉइल, वाटर स्टैंक नेशन भी नहीं होनी चाहिए बट शुड बी मॉइस्ट, पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी 6 to 7.5, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, ना एसिडिक सॉइल होना चाहिए ना एल्कलाइन, बट कैन बी ग्रोन इन एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल में भी ये हो सकता है अप टू 8.5, जिस भूमि का पीएच 8.4 तक वहाँ पर ग्रो किया लगाया जा सकता है। सॉइल पीएच जो भूमि की का पीएच है वो सेफ कंडीशन में लाया जा सकता है, अगर क्षारीय मिट्टी है तो उसमें हम जिप्सम मिला देते हैं, और अगर अम्लीय मिट्टी है तो उसमें चूना मिला करके न्यूट्रल कंडीशन में उसे लाया जा सकता है। लेआउट और प्रिपरेशन ऑफ बेड्स, रेखांकन करना क्यारियों का, रेखांकन करना और क्यारियाँ तैयार करना। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यू नो दैट रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब का फूल जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, जिस इसलिए इट शुड बी डिजाइंड डिस्प्लेड इन ए अट्रैक्टिव मैनर, दैट्स वाई इट शुड बी, जो क्यारियाँ इसकी बनानी चाहिए वो बहुत ही कलात्मक ढंग से बनानी चाहिए, जिससे और आकर्षण बन जाए, लोगों का देखने का मन बार बार इसे करे। तो द बेड शुड बी प्रिपेयर इन अट्रैक्टिव मैनर, जिस जो आकर्षित करने वाली क्यारियों ऐसे बनानी चाहिए। बेड्स फॉर्मल डिजाइंस आर इनफॉर्मल डिजाइंस कीपिंग द स्टाइल ऑफ गार्डनिंग व्यू, बेड्स शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द गार्डन, हो जाए फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द बेड्स शुड बी क्यारियाँ उस प्रकार इसी प्रकार तैयारी करनी चाहिए कि अगर फॉर्मल डिजाइन का गार्डन है तो उस हिसाब से, और इनफॉर्मल है तो उस हिसाब से क्यारियाँ तैयार की जानी चाहिए। फॉर्मल शेप्स ऑफ बेड्स लाइक स्क्वायर, फार्मर शेप जो बेड होती हैं क्यारियाँ होती हैं वो स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर शेप है इस तरह में तैयार की जा सकती है, अथवा रेक्टेंगुलर भी तैयार कर सकते हैं आप, सर्कुलर आप देख रहे हैं मैंने तैयार किया, यू शेप और एल शेप, एल शेप ये है स्टैंडर्ड रोज को करने के लिए प्रिपेयर्ड। फॉर इनफॉर्मल डिजाइन द बेड्स ऑफ नॉर्मल शेप लाइक दिस शुड बी प्रिपेयर्ड, जिससे वो डिजाइन को सूट कर सकें। प्लांटिंग टाइम, पौधरोपण कब करें, बेस्ट टाइम ऑफ रोज प्लांटिंग इज सितंबर टू अक्टूबर, इसके जो
प्लांट लगाए जाते हैं नर्सरी से उठा करके मेन जगह में, वो कब लगाना चाहिए? सितंबर टू अक्टूबर आफ्टर ओरिंग द रेन, रेन समाप्त होने, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद करीब सितंबर अक्टूबर में इसको लगाया जा सकता है। एंड द प्लांटिंग टाइम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू नवंबर, तथा इसको नवंबर तक बढ़ाया जा सकता है। केयर शुड बी टेकन दैट बड यूनियन शुड बी एबव द ग्राउंड। अक्सर होता यह है कि जब हम कोई गुलाब का पौधा लगाते हैं तो जो बड यूनियन हमारी होती है, जहाँ पे ग्राफ्टिंग होती है, जहाँ पे बडिंग होती है, उसको लोग सपोज करिए यहाँ पे बड हुई है तो इस इनोनन मैट्रिक्स, इसको नीचे नहीं रखना है ज़मीन के, बस ज़मीन के जस्ट ऊपर रखना चाहिए। अगर ये ज़मीन है तो यहाँ तक दबाएंगे। बड यूनियन शुड बी एबव द ग्राउंड, बड यूनियन जो है हमारी भूमि के ऊपर रहनी चाहिए, उसको दबाना चाहिए। अगर ये यूनियन तो इट शुड बी एबव द ग्राउंड। कॉमन रूट स्टॉक्स जो मूल ग्रंथ है हमारे, वो मुख्य रूप से यूज होते हैं। नंबर एक एडवर्ल्ड रोज, रोजा बोरोबियाना, बोरोनियाना और रोजा मल्टीफ्लोरा इन वेस्टर्न इंडिया, जो पश्चिमी भारत है उनमें मुख्य रूप से हमारा जो मूलबंध यूज होता है बडिंग के लिए, वो एडवर्ल्ड रोज यूज करते हैं। तथा सेकंड नंबर पे रोजा इंडिका ओडोरेटा, बेटर देन द फार्मर, ये एडवर्ल्ड रोज की अपेक्षा कुछ अच्छा रूट स्टॉक मूलबंध पाया गया है। तथा मोस्टली यूज इन नॉर्थ इंडिया, तथा ये उत्तरी भारत में प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। बेस्ट बडिंग टाइम इज नवंबर टू फरवरी, बडिंग कब करनी चाहिए? कल के आयन हमेशा नवंबर और फरवरी में बेस्ट टाइम है। रोजेज आर ग्रुप इन टू क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एट विच बडिंग इज रन, जिस स्थान भूम से रूट स्टॉक में जिस स्थान पे कलकायन की जाती है उसके अनुसार भी गुलाब को कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे बुश रोजेज जो झाड़ी नुमा गुलाब बनाए जाते हैं, उनमें बडिंग 7.5 से 10 सेंटीमीटर के ऊपर भूमि से, सपोज करिए दिस इज द रूट स्टॉक, देन फॉर बुश रोजेज इट कैन फ्रॉम द सॉयल टू द हाइट ऑफ 7.5 to 10 सेंटीमीटर फॉर प्रेफरिंग बुश रोजेज। जो झाड़ी नुमा गुलाब बनाए जाते हैं उनमें 7.5 से 10 सेंटीमीटर की सतह पे बडिंग या कलकायन करना चाहिए ज़मीन से रूट स्टॉक में। और फॉर व्हेन यू आर प्रेपरिंग स्टैंडर्ड रोज, जो स्टैंडर्ड रोज है बनाए जाते हैं उसमें बडिंग की जाती है लगभग 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द एबव द ग्राउंड, भूम से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की दूरी पे बडिंग करनी चाहिए, लगभग 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की दूरी पे बडिंग करनी चाहिए। एंड व्हेन यू आर समटाइम्स हाफ स्टैंडर्ड रोजेज आर आल्सो टू बाई बडिंग एट 50 सेंटीमीटर, अगर आपको हाफ स्टैंडर्ड रोज बनाना है तो भूम से लगभग 50 सेंटीमीटर पे कलिकायन करना चाहिए।